हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का नया सिंहासन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें अभी तक हमने देखा कि जो विक्रमादित्य हैं वो हमारे इतिहास के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध राजा हैं, और उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। और उनके न्याय करने का जो तरीका है वो काफ़ी प्रभावशाली है, और वो कभी भी इस तरह से न्याय करते हैं कि कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति उनका अपराध जो ना किया हो वो दंड नहीं पाता है। और कोई भी अपराधी अगर विक्रमादित्य के सामने आने पर डरता है, क्योंकि वो जानते हैं कि विक्रमादित्य उनको तुरंत उनके अपराधों को जान लेंगे, उनको पकड़ लेंगे। और विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उनका महल थे, किले थे, वो सारे नष्ट हो गए और चारागाह में बदल गए हैं। और उज्जैन के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जो चरवाहे लड़के हैं वो अपने पशुओं के साथ वहाँ पर पशु चराने के लिए आते हैं, यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखेंगे कि उनका जो न्याय सिंहासन है उसी मलबे में, उनके किले के मलबे में दबा रहता है। और एक दिन एक लड़का वहाँ पर बैठता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है, और वो बहुत ही गंभीर होकर न्याय करने लगता है। और धीरे धीरे ये बातें आगे भी पता चल जाएंगी, जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे से, सच वॉज द लाइफ, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है, सच वॉज द लाइफ ऑफ द सेपर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। कह रहा है, उज्जैन के लगभग सभी गांवों में चरवाहे लड़कों का या गरेड़ियों का इसी तरह का जीवन था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम, वे बहुत संख्या में बहुत थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड अ प्लानिटी ऑफ टाइम फॉर फन। कह रहे हैं कि वे संख्या में बहुत अधिक थे और चारागाह में लंबे दिन में उनके पास आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए या खेल कूद के लिए बहुत अधिक समय था या पर्याप्त समय था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला। आगे देखिए कर रहा है, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज रफ एंड अनइवन। कह रहा है कि जो पेड़ मैदान है वो पेड़ के नीचे है, यानी उसके वहाँ पर ढेर सारे पेड़ हैं, तो पेड़ के नीचे जो मैदान है वाज रफ एंड अनइवन। अनइवन माने क्या होता है? असमतल, यानी उबड़ खाबड़, ठीक है। और रफ माने गंदा या भद्दा होता है। तो कह रहा है कि पेड़ के नीचे का ग्राउंड यानी जमीन जो है, मैदान जो है, बहुत ही भद्दा और असमतल या उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट। कह रहा है कि यहाँ वहाँ पत्थरों के जो नोक थे, पिप्ड आउट माने बाहर निकले हुए थे या कोने जो थे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देन सॉरी देयर वॉज अ ग्रीन माउंड, और बीच में एक हरे रंग का माउंड माने टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बिल्कुल एक न्यायाधीश के, एक राजा के सिंहासन के तरह दिख रहा था। कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ पत्थर के जो है कोने जो है, एंड्स माने किनारे जो हैं वो निकले हुए थे, और बीच में एक हरे रंग का टीला था जो बिल्कुल राजा के बैठने के या न्यायाधीश के सिंहासन के समान प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। और कह रहा है कि एट लास्ट वन ऑफ बॉयज, अंत में उनमें से एक लड़के ने ऐसा ही सोचा, इसलिए ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, वह स्वयं उस पर बैठ गया।
आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़को। ही क्राइड, वह चिल्लाया, जो लड़का टीले पे, हरे टीले पर बैठा है। आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, मैं एक न्यायाधीश होऊंगा या मैं राजा होऊंगा और तुम अपने सारे मामलों को, मुद्दों को मेरे सामने ले आना। करा है आगे, एंड वी विल हैव ट्रायल्स। ट्रायल्स माने क्या होता है? ट्रायल्स माने मुकदमे जो होता है, जो पैरवी होती है, चलती है कोर्टों में, वही। तो कह रहा है कि आई विल बी द जज एंड यू ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल्स। कह रहा है कि मैं जज माने न्यायाधीश होऊंगा और तुम अपने सारे मामले या केसेस जो हैं मेरे सामने लाओगे, लाना, और मैं उनके मुकदमे को, ट्रायल्स को लूंगा या सुनूंगा। देन ही स्ट्रेटेड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। करा है तब उसने अपना जो स्ट्रेटेड माने जो होता है सीधा करना, ठीक है, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया या गंभीर बनाया, और बिकम वेरी ग्रेव, ग्रेव माने गंभीर होता है। कह रहा है कि और बहुत गंभीर हो गया टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज के किरदार को पूरा करने के लिए। तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया और बहुत गंभीर होकर जज के यानी न्यायाधीश के किरदार को करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। आगे देखिए, अदर सा द फन एट वंस एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। कह रहे हैं कि दूसरे लड़कों ने इस फन माने मजाक को देखा। आगे कह रहे हैं एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और शीघ्र ही आपस में फुसफुसाया या कुछ बातचीत किया। आगे कह रहा है क्विकली पिक अप सम क्वेरल, और जल्दी से कुछ झगड़े उनमें से उठाए। कह रहे हैं आगे एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आ गए या प्रकट हो गए। ईच ग्रुप सीटेड देयर केस। कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप माने पक्ष ने अपना स्टेट देयर केस, कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप ने, प्रत्येक समूह ने अपना अपना मामला सामने रखा। वन सेइंग दैट टो सर्टेन फील्ड वाज देयर्स एंड अनदर सेइंग दैट इज वाज नॉट एंड सो ऑन। कह रहा है कि पहले ने कहा कि यह जो फील्ड माने खेत है, निश्चित। कह रहा है कि वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कह रहा है कि उनमें से एक ने कहा कि वह जो निश्चित खेत है वह निश्चय ही उनका है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरे जो लोग थे वो कह रहे थे कि वह उसका नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से वे बातें कर रहे थे। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। कह रहे हैं कि वे चाहते थे कि वे इस डिस्प्यूट माने झगड़े को सुलझा दे या निपटारा उनका कर दे। बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट्सेल्फ फेल्ट। कह रहे हैं कि लेकिन अब अचानक से, ऑल ऑफ सडन माने अचानक से, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट्सेल्फ फेल्ट, एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। लेकिन अब अचानक से उन्हें एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। कह रहा है कि वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बहुत ही साधारण दिखाई दे रहा था, अब टीले पर बैठने के बाद वह बिल्कुल भिन्न या बिल्कुल अलग दिख रहा था। He had become grave and serious and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. तरह है कि he had become grave and serious, वह गंभीर हो गया,
सीरियस माने भी गंभीर होता है, और कह रहा है कि वह बहुत गंभीर हो गया और उसका जो बात करने का आवाज था, जो टोन था, वो भी बदल गया। हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव। उसके जो बात करने का ढंग और तरीका था वो इतना विचित्र और प्रभावशाली था कि द रेस्ट ऑफ बॉयज वेयर लिटिल फ्रैटेंडेड, कि जो बचे हुए शेष लड़के थे वे थोड़े से फ्रैटेंडेड माने डर गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी वे सोचे कि यह मजाक था। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और करा है कि एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस, और एक बार फिर से या एक बार पुनः उन्होंने एक नया ताजा नया मामला उसके सामने रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर से उस लड़के ने जो टीले पर बैठा हुआ है उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर हावर्स एंड आवर्स टूगेदर, और यह घंटों, यह जो क्रिया चल रही थी यह घंटों घंटों तक चलती रही। आगे कह रहा है ही इज सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू द कंप्लेन्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न। कह रहा है कि ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठकर शिकायतों को सुनता हुआ, लिसनिंग टू द कॉम्प्लेन्स, कह रहा है कि शिकायतों को सुनता था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और गंभीरता के साथ अपने जो न्याय को सुनाता था। आगे कह रहा है टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक वापस आने का समय नहीं हो जाता था। आगे कह रहा है एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हियर। कह रहा है कि और तब वह अपने स्थान पर से नीचे जमीन पर जो है टीले पर से नीचे कूदता था और दूसरे चरवाहे लड़कों के समान हो जाता था। काउहर्ड माने भी यहाँ पे जो चरवाहे लड़कों की तरह है, तो समझ में आ गया आपको इतना। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटीज वेयर पुट बिफोर हिम। कह रहा है इस घटना के बाद से वह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटी, सभी जटिल विवाद जो हैं, झगड़े जो हैं, उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा एक बात घटित होती थी या एक घटना होता था। द स्प्रिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रथ, और द स्प्रिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आती थी और उसे सच्चाई का ज्ञान कराती थी। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से नीचे आता था तो वह उसमें दूसरे लड़कों के तरह कोई भिन्नता नहीं थी, यानी वो भी दूसरे लड़कों के समान बिल्कुल था। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। अभी बाकी का जो वीडियो, अभी चैप्टर हमारा लंबा है, हम एक ही वीडियो में सब खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको आगे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप आगे का जो चैप्टर है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सुधार करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और प्लीज़ इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।